हेलो विवन, क्लास 7th लास्ट वीडियो आप लोगों का पोएम मतलब पढ़ाया गया था ट्रेक थ्रू द हिमालय। और एज यू नो हम बताए थे आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है कुछ और कुछ एक्सट्रैक्ट डिपेंड आंसर है, ठीक है, तो उसको हम करवा देंगे। सो आज हम लोग आप लोगों को सबसे पहले पेज नंबर 74 करवा रहे हैं। नोट कर लेना कि आज जो आप लोगों को हम ये करवा रहे हैं वो है पेज नंबर 74, ठीक है। एक्चुअली अभी तक तो कोई पोयम आप लोगों को हम नहीं पढ़ाए थे, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था और सोचे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में और वन सेंटेंस के आंसर्स इसमें आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा, शॉर्ट आंसर्स है। सो पेज नंबर 74 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंड द पोयम में टिक द स्टेटमेंट यू अग्री विथ। वैसे स्टेटमेंट्स को टिक करना है जिससे हम सहमत होते हैं, आई थिंक हम एग्री होते हैं। क्रॉस आउट द वन यू डिसएग्री विद और उस स्टेटमेंट को क्रॉस कर देना है जिसको हम असहमति करते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो नंबर वन में है इट वाज अ लॉन्ग ट्रैक। रियली हिमालय का ट्रैक कोई स्मॉल ट्रैक तो नहीं हो सकता, इसलिए ये लॉन्ग ट्रैक है, यहाँ हम टिक करेंगे। नंबर टू है द पोएट वाज क्लाइंबिंग एलोन। पोएट क्या अकेले चढ़ रहा था? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी माउंटेनर्स हो या कोई भी ट्रैकर्स हो, वो अकेला तो कहीं माउंटेन पर नहीं जाता है, ठीक है, वो एक पूरा टीम होता है। और यहाँ भी हमारे जो पोएट हैं जिनका नाम है श्रींजय चक्रवर्ती, वो भी पूरे टीम के ही साथ गए थे। नाउ नंबर थर्ड, इसलिए ये जो सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगा। नंबर थर्ड है द ट्रेवलर्स हैड टू क्रॉस मेनी माउंटेन्स। तो यस, जब हिमालय के ट्रेकिंग पर लोग जाते हैं तो हिमालय क्या है, एक पूरा रेंज है, माउंटेन्स रेंज है, वो एक इकलौता पहाड़ नहीं है, बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ों को क्रॉस करके जाना होता है। इसलिए इसको हम यहाँ पर स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे यानी टिक लगाएंगे हम। नंबर फोर है द ट्रेवलर्स होप टू फॉलो अदर क्लाइंबर्स। जो ट्रेवलर्स थे, यहाँ पे एक बात सामने आ गई कि जो और भी अदर क्लाइंबर्स थे जो उनके पीछे से आ रहे हैं उनको फॉलो करने वाले, तो वो उनकी उम्मीदें थी कि उनको कोई फॉलो भी कर रहा है, यानी उनके पीछे भी लोग चल रहे हैं, ये किसी और के पीछे होंगे, उनके पीछे कोई और होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नंबर फाइव द ट्रेवलर्स सर्च फॉर न्यू पैथ्स टू द टॉप। हाँ, ये बात सही है कि जो ट्रेवलर्स थे पोएट के साथ, ये नए नए पाथ्स जो हैं, जो रास्ता होता है, ये टॉप पर पहुंचने के लिए अपने से भी ढूंढ रहे थे, ये भी सही है आपका। नंबर सिक्स द पोएम डिस्क्राइब्स द क्लाइम टू द लास्ट पीक। जब लास्ट फाइनल पीक पर पोएट पहुंचता है तो वो उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करता है और हम अपने आंसर में भी उसको डिस्क्राइब करेंगे और पोएम में भी बहुत अच्छे से लास्ट स्टेंजा में उसको डिफाइन किया गया है कि वहाँ पहुँचने के बाद पोएट को कैसा फील होता है, तो इसलिए हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। नंबर सेवन है द एम ऑफ द ट्रेक वाज टू क्लाइंब द फाइनल पीक। क्या एम था फाइनल पीक को मतलब अचीव करने का? यस, ये भी सही है। नंबर एट है द फाइनल पीक वाज अबव द क्लाउड्स। क्या फाइनल पीक जो है वो बादलों से भी ऊपर है? यस, क्योंकि हम अपने हाफ पोएम में पढ़ते हैं कि वे जो है वर्ल्ड ऑफ क्लाउड से भी ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जो टॉप है हिमालय का, जो ऊपरी चोटी है उसकी, पीक है जो उसका, वो बादलों से भी ऊपर है, इसलिए हमारा ये भी स्टेटमेंट राइट होगा। सो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर टू के अलावा, एक्सेप्ट नंबर टू, जितने भी आंसर्स हैं 1 से लेकर 8 तक, वो सारे के सारे सही हैं, बस नंबर टू है एक रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ लेट्स वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में है आप लोगों का वर्क इन ग्रुप्स ऑफ थ्री। ये तो क्लास वर्क है ना, इसलिए इसको ग्रुप में डाला गया है, बट डिस्कस दीज एंड राइट द आंसर्स, इसके बारे में डिस्कस करना है, यानी जो भी पढ़ाया गया आपको लेसन में। तो हम लोग चलिए डिस्कस करके ही इस आंसर पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को क्वेश्चन में लिखवा दिए हैं कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1, 2, 3 में हमारे पोएम से कुछ स्टैंजास हैं, स्टैंजास से एक लाइन्स लिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट लिए हुए हैं और इसके बेस्ड क्वेश्चन है। तो नंबर वन है क्या कि वी एंटर नाउ ए वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स। ये स्टेटमेंट हमारे हमारे स्टेंजा में है, हमारे पोएम के स्टेंजा में है, तो कह रहा है कि वी एंटर नाउ अ वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स, कि हम लोग वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स मतलब जो बादलों की दुनिया है उसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं।
इस पर बेस क्वेश्चन क्या है? ए नंबर, व्हाट एल्स डिड द ट्रेवलर्स सी फील एंड हियर बिफोर दे रीच द पीक? अभी ये पीक पर पहुंचे नहीं हैं, बल्कि आधे रास्ते पर हैं और बादलों के घेरे में आ चुके हैं। वहां जाकर ट्रेवलर्स क्या देखता है, क्या फील करता है और क्या क्या उन्हें सुनाई पड़ती हैं रास्ते में? तो हाफ मतलब जो वे है उनका, वहां जब पहुंचते हैं वे, बिफोर दे रीच द पीक, ठीक है, पीक पर पहुंचने से पहले के एक्सपीरियंस को बताया जा रहा है कि दे सा वैलीज, हिल्स, स्लोप्स एंड अनट्रोडन वेज। इसका मतलब है आपका कि उन्होंने घाटियों को देखा, हिल्स छोटे छोटे पहाड़ियों को देखा, स्लोप्स जो ढलान होते हैं, एंड अनट्रोडन वेज। अनट्रोडन वेज का मतलब कि रास्ते वैसे जो आपके लिए बनाए नहीं गए हैं, बल्कि आपको खुद से बनाना पड़ता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। हर्ड द कॉल ऑफ माउंटेन विंड एंड वाटरफॉल। उस ऊंचाई पर जाने के बाद उन्हें सुनाई सब क्या दे रही है? तो माउंटेन विंड, जो हवा चलती है पहाड़ों पे, जो मतलब शीत लहर वाली हवा चलती है, आइसी बर्फ जैसा, वो सुनाई पड़ता है। और झरने, वाटरफॉल, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी हमारी जो नॉर्थ से निकलने वाली नदियां हैं वो सब हिमालय से निकलती हैं, उनकी जो मतलब एक जो चार्मिंग आवाज़ है, साउंड है, वो उनको सुनाई पड़ता है। एंड फेल्ड, महसूस कैसा करते हैं? तो होपफुल एंड हैप्पी। अब इतने दूर तक आने के बाद वे काफ़ी आशापूर्ण हो चुके हैं कि अब उन्हें पीक पर जाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो आधा से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके थे। एंड हैप्पी, और काफ़ी खुशी महसूस कर रहे थे। तो ये उनका एक्सपीरियंस है देखने का, सुनने का एंड अनुभव करने का। नंबर बी है, व्हाट वाज द वेदर लाइक व्हेन दे एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स। जब वे वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स की दुनिया में पहुंचे, बादलों की दुनिया में पहुंचे, तो वहां का वेदर कैसा था? वेदर को डिफाइन करना है इसलिए, क्योंकि हमने ए नंबर में वेदर को डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बादलों की दुनिया का वेदर कैसा था। तो व्हेन दे एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स द वेदर वाज कोल्ड एंड द माउंटेन वेयर कवरिंग विथ लाइट फॉग। वहां का जो स्थिति था, वहां का जो वेदर का जो कंडीशन था, वो कैसा था? बहुत ठंडा। एंड माउंटेन जो था ना, ऊपर जाने के बाद वो पूरी तरह से कवर था, किससे? लाइट फॉग से, जो हमारे यहाँ ठंड के दिन में सुबह कुहासा भरा रहता है ना, हमें दूर की चीजें, पास की भी चीजें ज्यादा दूर तक की नहीं दिखाई पड़ती है। तो वैसा ही सीन उनको उस वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स में जाने के बाद लग रहा था, जैसे कि वो पूरा मिस्ट से छाया हुआ हो, कवर किया हुआ, पूरा माउंटेन जो है कवरिंग लग रहा था बिल्कुल लाइट फॉग से। तो इस तरह से हमारा वन नंबर का एक्सट्रैक्ट तो क्लियर हुआ। अब हम आते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर टू पर। यहाँ पर दे रहा है क्या कि एट लास्ट वी रीच द फाइनल पीक। ये यहाँ पर हम लोगों को अब क्वेश्चन जो किया जाएगा वो लास्ट से है कि जब हम फाइनल पीक पर पहुंचे, ठीक है, एट लास्ट वी रीच द फाइनल पीक, जब अंत में हम लोगों ने, यानी कि पोएट, ठीक है, और उनके जितने भी ट्रेवलर्स थे, सब लोग जब फाइनल पीक पर पहुंचे, तो क्या पूछा जा रहा है हमसे कि नंबर ए, डिस्क्राइब द वेदर व्हेन द ट्रेवलर्स रीच द टॉप। टॉप पर पहुंचने के बाद का कैसा था वेदर? ये तो वेदर अभी हम लोग डिस्क्राइब जो किए हैं, ये वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स का था। जब हम टॉप पे मतलब आखिरी अंतिम पहुंच गए, जब इन्होंने अचीव कर लिया अपना मिशन, तो वहां का वेदर कैसा था? तो व्हेन द ट्रेवलर्स रीच द टॉप, जब टॉप पर ट्रेवलर्स पहुंचे, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। वहाँ का तो वेदर जो था उसके ठंड का आपको मिसाल देना ही मतलब कि कम रहेगा, क्योंकि हम वैसे ठंड को अभी तक फील नहीं कर पाए हैं जो पीक के फाइनल पीक पर होगा। एंड देयर फीट वेयर नंबिंग लाइक आइस। उनके पैर जो थे ना, बर्फ के तरह जम रहे थे, इतनी ठंड है वहाँ, एक्सट्रीमली कोल्ड है, क्योंकि पूरी तरफ स्नो है, स्नो पे ही चलना है, तो उनके जो पैर है ना वो नंबिंग हो रहे थे, नंबिंग मतलब सुन पड़ रहे थे। तो ये था वेदर वहाँ का। नाउ नंबर टू, टू का आई थिंक बी नंबर है, व्हाट डिड दे सी एंड फील। पीक पर जाने के बाद वो लोग क्या देखे, ठीक है, और क्या फील किए? तो क्वेश्चन नंबर टू का बी है आपका कि दे सा द स्टीप एंड नैरो पैथ लाइक ए स्नेक फ्रॉम देयर। फाइनल पीक पर पहुंचने के बाद जब आप नीचे की ओर देखोगे तो उनको क्या दिखाई दे रहा था? जैसा कि हम भी अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं पोएट के साथ साथ, कि जैसे हम ही माउंटेन पर चढ़ रहे हैं और हम वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में मतलब हमारा चल रहा होता है जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो इमेजिनेशन जो है हमारा वहाँ पहुँच जाता है कि हमें भी मानो कि पोएट के तरह सब चीज़ दिखाई दे रहा है। तो वो जो उनकी जो नज़रें थी वो कहाँ गई? स्टीप एंड नैरो पैथ, ऊपर से जो नीचे का जो रास्ता
तय करके ये लोग आए थे, वो बिल्कुल पतला एकदम संकरा, नैरो का मतलब तो संकरा, स्टीप मतलब ढलान और पतले टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। दे ऑल्सो सा द मर्जिंग पॉइंट ऑफ स्काई एंड अर्थ फ्रॉम द हाई एबव, और वो लोग वहाँ से क्या देखें, जहाँ ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर उन्हें ये दिखाई दिया कि जहाँ आसमान और अर्थ का मर्जिंग पॉइंट, मर्जिंग पॉइंट मतलब दोनों का जो एक मिलने वाला पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, वो मर्जिंग पॉइंट उनको ऊपर से नीचे की ओर दिखाई दे रहा था। तो ये इतने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कुछ अलग ही इनका एक्सपीरियंस था, और जो फीलिंग था वो तो आप जानते ही हो कि कितने खुश थे। अब हम लोग थ्री नंबर को बनाते हैं, फॉरगॉटन लाइज द वर्ल्ड बिलो। फॉरगॉटन लाइज द वर्ल्ड बिलो का है मतलब कि उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पोएट का एक्सपीरियंस ये रहा कि वे नीचे की दुनिया का, वर्ल्ड बिलो का मतलब है जो नीचे की दुनिया है जहां अभी हम रह रहे हैं, वहां के सारे झूठ, सारे गलती, जितने भी मतलब कि बैड थिंग्स हैं, बैड फीलिंग्स जो होते हैं, थाउट्स होते हैं, ये सब वहाँ जाकर इंसान भूल जाता है। इतने पीक पर जाने के बाद नीचे का कोई भी बात उनको याद नहीं था, वहाँ इतनी शांति, इतनी पीस, इतना पीसफुल मतलब वो जगह था कि जो पोएट थे वहाँ जाकर सब कुछ भूल गए। तो इस पर भी कुछ दो क्वेश्चन हैं जो हम लोग करते हैं। हम लोग एक्सट्रैक्ट नंबर थर्ड पढ़ रहे थे, Forgotten lies the world below, मतलब नीचे की दुनिया वो भूल चुके थे। आपका नंबर ए का क्वेश्चन पूछ रहा है कि what lay in the world below, according to the statement, according to the extract, पूछा जा रहा है कि क्या जो था वो दुनिया के नीचे वो लोग छोड़ आए थे, मतलब माउंटेन पीक थे के ऊपर थे जब, तो वर्ल्ड जो था उनसे नीचे था, तो वो दुनिया के नीचे यानी कि क्या छोड़कर नीचे चले आए थे माउंटेन से नीचे वाली दुनिया में। तो इसका होगा ऑल द बैड फीलिंग्स एंड थाउट्स ले इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब जब वो ऊपर गए तो जितने भी, जब हम लोगों के बीच रहते हैं ठीक है, इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं, वहाँ के जितने भी बैड फीलिंग्स थे, बुरी बुरी चीज़ें आते हैं दिमाग में, थाउट्स होते हैं, विचार होते हैं अपने को लेके, दूसरे को लेकर, वो सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद सब कुछ नीचे का नीचे धरा रह गया, ऊपर सिर्फ शांति था, इतना शांति कि कुछ माइंड में गलत चीज़ें आ ही नहीं रही थी और खुशी इतनी थी। नंबर बी है वाई इज द वर्ल्ड बिलो फॉरगॉटन, आखिर क्यों उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वर्ल्ड को लोग भूल गए, नीचे की दुनिया को वो लोग भूल गए, ऐसा क्या हुआ। तो द वर्ल्ड बिलो इज फॉरगॉटन, नीचे की दुनिया जो था वो लोग भूल गए, बिकॉज टू रीच एट द फाइनल पीक, क्योंकि उस पीक पर, ऊंचाई पर चढ़ने के बाद their souls were cleansed of bad things and thoughts, इतनी शांति, इतना calmness था वहाँ कि उनके जो souls थे ना, souls मतलब आत्मा ठीक है, जो उनके आत्मा थे अंदर का जो inner souls था वो पूरी तरह से धुल चुका था गलत चीज़ों से और गलत विचारों से। कुछ उनके दिमाग में, कुछ उनके दिल में किसी के लिए, चाहे खुद के लिए, कोई बैड फीलिंग्स, कोई बैड थाउट्स, कोई बैड थिंग्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे, एकदम वहाँ पे निश्चल भाव था सबका और वे खुश थे, और उनके जो आत्माएं थी वो क्लींस्ड हो चुकी थी, एकदम धुल चुकी थी। इसका जो मतलब आपका है पर्ज्ड ठीक है, जितने भी बैड थिंग्स से हम अपने आत्मा को धोड़ा। तो ऐसे ही होता है कि जब हम संघर्ष करने के बाद ऊपर जब चले जाते हैं तो हम अपने नीचे के चीज़ों को भूल ही जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उन सब दुखों को या फिर अपने बैड थाउट्स को जो हमें दुख देता है उन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं, और वहाँ पहुँचकर हम एक अलग एक्सपीरियंस को फील करते हैं। तो यही हमारे पोएट जो सृंजय चक्रवर्ती हैं इनके साथ भी हुआ, जब ये माउंटेन क्लाइंबर बनकर सक्सेसफुल वापस आ गए थे और अपने इस सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने रास्ते से लेकर उनके अंदर की क्या मतलब की भावनाएं थी, ये सारे चीज़ को, इमोशंस को वो पूरे डिस्क्राइब की है बहुत अच्छे से, ट्रैक थ्रू द हिमालयस के पोएम के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाए हैं। और ऐसा आई थिंक कि सभी को फील होता होगा वहाँ पहुँचना, क्योंकि वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, और इतनी कठिनाइयों के बाद जब वो वहाँ पहुँचे होंगे तो रियली वे खुश होंगे, होपफुल होंगे पूरी तरह से, और उनके मन में अब ऐसा किसी के लिए कुछ भी गलत ख्याल या गलत बैड थिंग्स थाउट्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये अब एक काम करते हैं कि हम लोगों का जो ये लेसन है, ये लेसन 7 हुआ ठीक है, पोयम है लेकिन हम इसको लेसन बना कर डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए हम आप लोगों को ये
ये हेडलाइंस लिखवा देते हैं, आपका जो टाइटल होता है उसको हम लिखवाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। नेक्स्ट में अब हम लोग यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हॉप स्किप एंड जंप। आई थिंक ये जो हम लोग हमारा नेक्स्ट यूनिट है ये गेम्स से रिलेटेड है और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स वी हैव टू रीड, बट ओके फॉर टूडे स्टिल आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है। आप लोग इसको फेयर कर लोगे और बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना और इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं उसको आप क्लियर करोगे, छोटे छोटे आंसर्स आपको इसमें से निकलेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।